नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे दुनिया भर के पासपोर्ट के बारे में, साथ ही साथ उसकी रैंकिंग के बारे में, और हम ये भी बात करेंगे कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान की क्या स्थिति है। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट सबसे अहम चीज़ होता है, यानी कि जितना पावरफुल रहेगा उस देश के नागरिक को उतने ज़्यादा देशों में घूमने जाने की स्वतंत्रता होगी। लंदन की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स ने साल 2022 के लिए पूरी दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है, जिसमें सबसे पावरफुल देश के साथ साथ उन देशों के बारे में भी जिक्र किया गया है जो कि सबसे कमज़ोर हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान की स्थिति के बारे में भी जानेंगे। इन दोनों देशों के लोग कितने देशों में जाकर घूम सकते हैं। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2022 में दुनिया के सभी 199 पासपोर्ट की रैंकिंग है, जहां पर उनके धारक बिना किसी वीजा के जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए दिए गए डाटा पर आधारित है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेवल इंफॉर्मेशन के लिए डेटाबेस को मेंटेन रखती है। हम भारत और पाकिस्तान के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे पहले नंबर पर आता है जापान। जापान के लोग 193 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। इसके आगे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर आता है। इस देश के लोग 192 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। जर्मनी और स्पेन तीसरे स्थान पर हैं और इस देश के लोग 190 देशों में यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पासपोर्ट की टॉप रैंकिंग में अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ साथ ब्रिटेन भी शामिल है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान से नीचे इराक, अफगानिस्तान और सीरिया है। बता दें कि 199 देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान का स्थान 109 है, तो वहीं सीरिया का स्थान 110 और इराक का स्थान 111 स्थान है। पाकिस्तान के लोग 32 देशों में बिना वीजा ऑन अराइव यात्रा कर सकते हैं। इसी लिस्ट में अगर हम चीन की स्थिति को देखेंगे तो चीन का नंबर 69 आता है। चीन पासपोर्ट के हिसाब से 80 देशों में वीजा फ्री जा सकता है। वहीं बांग्लादेश की रैंकिंग 104 है, जो कि पाकिस्तान से 5 अंक ऊपर है। उत्तर कोरिया पासपोर्ट भी पाकिस्तान किससे मजबूत है, इसकी रैंकिंग 105 है। इस देश के नागरिक 40 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंकिंग 87 नंबर पर है। भारत के लोग 60 देशों में बिना वीजा या फिर वीजा ऑन अराइव के जरिए यात्रा कर सकते हैं। मेरिटोनिया और तजाकिस्तान भी 87 नंबर पर ही है। भारत के पासपोर्ट क्षमता में इस तिमाही में यह सुधार हुआ है, जो कि पिछले साल यानी कि साल 2021 में 90वां रैंक थी। साल 2020 में भारत 84वें स्थान पर था, जबकि साल 2016 में भारत माली और उज्बेकिस्तान के साथ 50वें स्थान पर था। साल 2022 के शुरुआती महीने में जो अगर हम बात करें तो भारत जो है 83वें स्थान पर था। तब जो है भारत के साथ रवांडा, युगांडा के साथ, मध्य अफ्रीका के साओ टॉम के साथ साथ प्रिंसेप के साथ अपना स्थान जो है भारत साझा कर रहा था। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारत ने साल 2006 के बाद से अब तक इस सूची में 35 और नए देशों में यात्रा के लिए अपने नागरिकों को यह सुविधा मुहैया कराने में सफल रहा है। यानी कि भारत की जो है पासपोर्ट की क्षमता और भी पावरफुल हुई है। आपको बता दें कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो कि यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा या फिर पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA के विशेष डेटा पर आधारित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक डेटाबेस प्रदान करता है। हमने इस पूरे वीडियो में आपको बताया कि भारत की क्या स्थिति है इस पूरे डेटाबेस के अनुसार, और पाकिस्तान की क्या स्थिति है। पाकिस्तान की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है, लेकिन भारत में लगातार जो है सुधार की गुंजाइश रही, और हमने एक बेहतरीन डाटा ये बताया 2006 के बाद से भारत के लोग जो है 35 और नए ऐसे देश हैं जहां पे वीजा या फिर वीजा ऑन अराइव के जरिए जो है यात्रा कर सकते हैं। खास करके अगर हम बात कर लें जापान की, जापान इस रैंकिंग में सबसे पहले पायदान पर है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।